नमस्कार, प्राइम न्यूज 24 में आपका स्वागत है। मैं हूं अग्रिमा जादौन और खबर गौतम बुद्ध नगर से है। राष्ट्रीय प्रमुख महासचिव महेंद्र सिंह चौरोली के नेतृत्व में दिल्ली पैदल ही रवाना हुआ भारतीय किसान यूनियन भानू के कार्यकर्ताओं का जत्था। केंद्र सरकार द्वारा पास किए गए किसान विरोधी बिलों के खिलाफ प्रदर्शन करने हरियाणा और पंजाब से दिल्ली आए किसानों के साथ की गई पुलिस बर्बरता के खिलाफ हरियाणा और पंजाब के किसानों के समर्थन में भारतीय किसान यूनियन भानू के राष्ट्रीय प्रमुख महासचिव महेंद्र सिंह चौरोली के नेतृत्व में तीनों किसान विरोधी अध्यादेश के खिलाफ झांझर रोड पर एकत्रित हुए सैकड़ों किसानों ने दिल्ली के लिए पैदल ही कूच किया और हरियाणा व पंजाब के किसानों को दिल्ली में न घुसने देने विरोध में जमकर प्रदर्शन कर विरोध जताते हुए यमुना एक्सप्रेस वे को करीब 4 घंटे तक जाम रखा और एक साथ सूत्र ज्ञापन एडीएम प्रशासन को सौंप कर उक्त बिल को खत्म किए जाने, किसानों पर अत्याचार नहीं किए जाने की मांग की। इस मौके पर राष्ट्रीय प्रमुख महासचिव महेंद्र सिंह चौरोली, ओम प्रकाश कसाना, संयोजक पूरन सिंह पहलवान, राष्ट्रीय प्रवक्ता सुंदर बलियान, राष्ट्रीय सचिव शाकिब पठान, सतीश चौधरी, सैकड़ों की संख्या में किसान मौजूद रहे। प्राइम न्यूज 24 के लिए ब्यूरो चीफ देव हमें यहाँ से कम हमने 5-6 किलोमीटर का पैदल मार्च किया। उसके बाद में हमारे प्रशासनिक अधिकारी एसडीएम साहब, एसडीएम महोदय हमारे बीच आए, फिर उन्होंने हमसे आश्वासन दिया। हमने किसानों ने मांग की कि डीएम साहब हमारे बीच में आए और हमारी 7 प्रसूतीय मांगों को लेकर हमें आश्वासन दें। उसके बाद में एडीएम साहब, प्रशासनिक अधिकारी हमारे बीच में यमुना एक्सप्रेस रोड पहुंचे हैं, उन्होंने हमारी मांगों को माना है और 7 मांगे हमने उनको दिए और उन्होंने आश्वासन दिया है किसानों के साथ घोर अन्याय नहीं होने दिया जाएगा। जो आप लोगों ने ये ज्ञापन जो 7 फुट की मांगे हमें दी है, हम इनको सरकार के पास आपकी मांगों को जरूर पहुंचाएंगे। आज नया तमाशा देखने को मिला। हम सुनते आए हैं कि किसान घर से निकलता है, किसान रोड पर होता है, ये देखते रहते थे, महसूस होता था पुलिस जरूर, लेकिन आज नजारा दूसरा हुआ। पुलिस ने हमें सहयोग किया, प्रशासन ने हमें सहयोग किया, कहीं ना कहीं पुलिस और प्रशासन दोनों की सहमति किसान के साथ है। जो सरकारों के लिए काम करने वाला प्रशासन है, आज वो किसान की बात से सहमत है और किसान को सहयोग करने का काम कर रहा है। अभी हमने देवर में अंडरपास पे मीटिंग बुलाई, क्षेत्रीय लोगों से आह्वान किया कि भी हमारा देश का किसान दिल्ली में जा रहा है, उसके साथ गलत बर्ताव कहीं हो रहा है, हम उसका विरोध कर रहे हैं। उसके विरोध के लिए हमें क्या करना है, दिल्ली जाना है अथवा जेल भरो आंदोलन चलाना है? ये हमने राय मांगी थी अपने क्षेत्र के किसानों से। वहाँ क्षेत्र के किसानों ने मशवरा लिया कि इस जनता के जो लिए अधिकारी हैं उनसे बात की जाए, यदि वो भी हमने लाठियाँ बरसाने का काम करते हैं, जेवर से शुरू करते हैं, अच्छी बात है। हम लोग लाठियाँ खाने के लिए जिला प्रशासन की कार्रवाई देखने के लिए उनको हमने जिलाधिकारी को सहायता किया, लेकिन किसी कारणवश जिलाधिकारी बीच में नहीं आ पाए। जन आक्रोश हुआ, पैदल मार्च हुआ, पैदल मार्च हाईवे को खोल के हम लोगों ने किया। आपने देखा होगा, आप काफ़ी देर से प्रवेश कर रहे हैं कि पुलिस प्रशासन की व्यवस्था को थी, किसानों ने अपनी व्यवस्था स्वयं बनाई, हाईवे को चलने दिया, अवरोध नहीं होने दिया, हमने जनमानस को परेशानी नहीं की, वो जनमानस हमारा है। अभी जिला प्रशासन से एडीएम हमारे बीच में आए, उन्होंने किसानों की बात पर सुना, किसान की बात पर अपनी सहमति जताई और हमें ये कहा कि आप दिल्ली जब चाहें जब कुछ कर सकते हैं, जिला प्रशासन आपके साथ है। अब हम अपनी रणनीति तय करके एक बहुत बड़ा काफिला लेकर, क्योंकि यूपी हमारी ले चुकी है, सारी यूपी में आक्रोश है, सारी यूपी का उत्साह जग चुका है और यूपी कहीं ना कहीं से सरकारों की खूबी है, सरकार बनाने का काम यूपी पर आधारित रहता है। हम सबके अब यूपी जाग चुकी है, किसान कौन के साथ कोई अन्याय नहीं होगा, किसान राष्ट्रपति महोदय, भारत सरकार, नई दिल्ली को एक जो है साक्षी
मंत्री ज्ञापन दिया गया है और कुछ हमारे लोकल जिले की समस्याएं हैं, धान खरीद और बाजरा खरीद, धान खरीद जो चालू है कुछ ज़्यादा समस्या थी, दो दिन में यह जो है ट्रैकिंग चलने लगेगा और बाजरा जो है भी प्रदेश सरकार से अनुमति लेकर के इसके लिए भी ट्रैकिंग होनी है। ये तो अपना साफ सुथरी मांग दिए हैं, इसी से रिलेटेड है, इसको हम जो है माननीय राष्ट्रपति महोदय को भेजेंगे और वहाँ केंद्र सरकार इस पे 3 दिसंबर को आरादा टीवी में सुनवाई के लिए रखा है। हमारे ये भी भारतीय किसानों ने जो जाएंगे अपनी बात जानेंगे कि किसान वहाँ तक पहुँच पाएंगे या तो बीच में समझा जाकर रोक दिया जाएगा। सर किसान डीएम ऑफिस तक पहुँच पाएंगे या आपको रास्ते में इनको रोक दिया जाएगा? कोई हमारा कोई प्लान रोकने का नहीं है, ज्ञापन देना है इनको, एडीएम साहब आ रहे हैं ज्ञापन देने के लिए, ज्ञापन लेना होगा। आपकी किसानों से क्या बात है, क्या बात लाभ हुई अभी? इन जो मांगे हैं वो पूरे राष्ट्रीय स्तर की मांगे हैं, उसके लिए लोग अपना आंदोलन कर रहे हैं। ज्ञापन इनको देना, एडीएम साहब आ रहे हैं ज्ञापन लेने के लिए। एडीएम साहब चल चुके हैं नोएडा? हाँ हाँ, बस पहुँचने वाले। तो एडीएम जेवर ने बताया है कि यहाँ पर एडीएम साहब और डीएम साहब ज्ञापन लेने के लिए किसानों के को नोएडा से कूच कर चुके हैं। रास्ते में रोक कर किसानों को समझाया जाएगा, रोका जाएगा और ज्ञापन मंजूर कराया।